प्रदेश में मॉडल साबित हो रहा पांडुर्ना का मांगरुली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हां दर्शकों, सुनने में भले ही छोटा लगे लेकिन अपनी सुंदरता और उत्तम व्यवस्था की वजह से आज प्रदेश भर में मांगरुली का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी पहचान बना चुका है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाले युवा डॉक्टर नितिन उपाध्याय से मिलकर इन BCN लाए है आपके लिए इस मॉडल अस्पताल की विशेष रिपोर्ट। नमस्ते, मैं स्वाति अतकरे इन BCN न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम खड़े हैं पांडुर्ना शहर के मांगुरली के एक छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। प्रतिभा के लिए किसी अवसर की जरूरत नहीं होती है, यही हमें सच करके दिखाया है हमारे पांडुर्ना शहर के डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने। देखिए, जैसे पेशेंट को हमारी तबीयत ठीक करने के लिए दवाइयों के साथ साथ एक अच्छे शुद्ध नेचुरल वातावरण की जरूरत होती है, वही वातावरण दिया है हमें इस मांगुरली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने। देखने में किसी रिसोर्ट सा दिखने वाला यह भवन आज के से नाम का मोहताज नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी यहाँ मरीजों के लिए किसी लग्जरी सुविधाओं की तरह व्यवस्था है। सुंदर गार्डन, आकर्षक सुकून जहाँ मरीज बैठ कर भूल जाए, दीवारों पर एक से बढ़कर एक चित्रकला, जैविक खेती के साथ ही हर छोटी बड़ी वस्तुओं को इतने खूबसूरत ढंग से सजाया गया मानो इसे एक बार देखने वाला यहीं पर ठहर जाने का मन बना ले। दादी आप बताइए, आप कितने साल की हैं सबसे पहले? वो तो मेरे को पता नहीं है। हाँ, फिर भी आप बहुत सालों से यहाँ आते होंगे, तो आप लोगों ने इस अस्पताल के दो रूम देखे होंगे, जो पहला जो पुराना था वो वाला और अब ये नया, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अच्छा लगता है, और बताइए। अच्छा लगता है, सब नवीन बना है। और पांडुर्ना विकास खंड के ग्राम मांगरुली में 1983 में स्थापित हुए इस अस्पताल के उन्नयन से आज भूमिदान करने वाले प्रभाकर धार्मिक भी बहुत खुश है। उनके प्रयास आज सुरक्षित हाथों में है। जो मांगुरली का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर स्थापित हुआ है और वो जो जगह जिन्होंने हमें दान की है वो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर धार्मिक जी हमें उनके अनुभव शेयर करेंगे। तो धार्मिक जी आपका स्वागत है। तो बताइए कि आपने, आपके पूर्वजों ने ये जमीन यहाँ पर दान दी थी कि ये जो जमीन है ये माता जी के नाम से मैंने प्रभाकर धार्मिक ने दान दिया हूँ, नर्मदा धार्मिक इसके नाम से दान दिया हूँ। और ये गांव के भलाई के लिए दान दिया। तो आपको अभी खुशी होती होगी कि ये तो अस्पताल के लिए हमने जगह दी, लेकिन देखो यहाँ पर तो अभी एक गार्डन जैसा लुक बन गया, जैसे लगेगा कि यहाँ पर कोई होटल है, कोई यहाँ पर गार्डन जैसा लुक आ गया, तो आपको और खुशी होती होगी। बहुत बहुत खुशी होती है, ये गार्डन से और भी दवाखाना ज्यादा खुल गया है। हाँ, तो गाँव के लोगों का यहाँ पर क्या कहना है इसके बारे में? इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है इस दवाखाने की, तो क्या कहना है गाँव वालों का? गाँव वालों का कहना है कि बहुत अच्छा किया है इस मांगुरली का दवाखाना, पांडुर्ना इसी भी अच्छा हो गया है, बस ऐसी बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा और बताइए कि स्थापना के बारे में, यानी किसने, आपकी दादाजी दादी किसने इसकी स्थापना दी की है? ये नर्मदा भाई धार्मिक, इसने दान, और कितने साल हो गए? सन 84 में अस्पताल बना है, बैची में दान दिया है। सरकारी अस्पताल को मॉडल बनाने वाले डॉक्टर नितिन उपाध्याय बताते हैं कि उन्होंने अस्पताल की काया पालट करने के लिए अपने बड़े भाई की मदद ली। भाई के वेयर हाउस में बेकार पड़ी वस्तुओं को सजावट के लिए उपयोग मिलाया, खुद कुछ खर्चा उठाया, कुछ अपने स्टाफ की तो कुछ उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन में जोड़ा, जिससे साल भर के प्रयासों के बाद आज यह कोशिश शोर मचा रही है। सबसे पहले नितिन जी आपका बहुत ज्यादा कांग्रेस करती हूँ, और देखो अवसर तो सभी को मिलते हैं लेकिन उस पर अमल कुछ ही लोग करते हैं, और आप लोगों को वो अवसर भी मिला आपको और आपने उस पर अमल भी किया, तो इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने सीनियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैंने वही चीज़ किया जो मेरे को यहाँ पे सही लगा। चीज़ें पहले बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पे, ठीक थी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा अच्छे से वेल डेवलप किया, गार्डन बनाया, लोगों की बैठने की व्यवस्था करवाई,
पेशेंट्स के लिए सुविधा दवाई और अच्छे से करने की कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक कॉर्नर भी बनाया जिसे इमरजेंसी कॉर्नर कहते हैं कि इमरजेंसी हैंडल कैसे कर सकते हैं एस्थमेटिक पेशेंट के लिए, या अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट जिनका शुगर लो हो जाता है वो आते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से सीनियर के हेल्प और जो BMO सर थे डॉक्टर भगत सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरे को आगे बढ़ाने में। उन्होंने मुझे कभी कोई चीज़ के लिए रोका नहीं, लेकिन तुम्हें जो लगता है वो करिए। और इसी हिसाब से मैंने गांव की जो सुविधा दे सकता था मैंने वो और अच्छे से करने की कोशिश करी। तो आप लोग पाए इतना बड़ा ये खड़ा करने के लिए आपको दिक्कतें भी बहुत आई होंगी? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना चालू किया वो अपने आप सॉल्व होती गई चीज़ें, और धीरे धीरे करके दोनों तरफ से मेरे गार्डन बन गए हैं और ऑलमोस्ट मेरा इंटीरियर भी सब कुछ बहुत अच्छे सेटल है। कोई भी आपके यहाँ पे ये नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता है, यहाँ पे सफाई बहुत अच्छे से होती है, यहाँ का मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। मेरे जो स्टाफ में जो ठाकरे जी हैं, सालबड़े साहब हैं, और हमारे पीयू जो जितेंद्र हैं, वो सब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे को छोटी छोटी प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, तो आपके सहयोगी हो गए, उन्होंने कैसे सहयोग किया इसमें? जैसे मेरे को कभी भी सीनियर्स जो थे जैसे BMO सर हो गए जो भी स्टाफ में थे, उनसे मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो मैं उनसे पूछ लेता था कि ये कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे हमेशा दिखाया कि नितिन तुम ऐसे करते चलो ये चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएगी, और हर चीज़ में धीरे धीरे करके वो चीज़ सॉल्व होती गई। और आपके जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों का भी सहयोग मिला है कि वहीं से कुछ दिक्कतें आई? नहीं, वहाँ से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, उन्होंने सहयोग किया सपोर्ट किया तभी मैं कर पाया। अगर वहाँ से कभी प्रॉब्लम होती तो मैं इतना कर ही नहीं पाता, तभी मैंने 3 साल में इतना अच्छा बना दिया। वो हर तरीके से सपोर्ट करते थे, आइदर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या गार्डन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या पीछे से सपोर्ट करना, भले वो सामने नहीं दिखे लेकिन उनके सपोर्ट के वजह से ही मैं आगे पहुँचा। और मेन बात है अब ये हॉस्पिटल बना है पेशेंट लोगों के लिए, तो इन गाँव वालों का क्या कहना है, वो लोगों का यहाँ पर जो अनुभव है वो कैसा है? बहुत अच्छा, मतलब लोगों का तो कहना ये है कि सर हम लोग यहाँ पे शाम को जब पेशेंट्स नहीं रहते हैं OPD में रहते हैं, हम लोग कोई बैठने की और जगह नहीं थी, हम गार्डन में आके बैठते हैं, वो लोग भी सफाई में सहयोग करते हैं, और जब उनको कोई काम नहीं होता है आराम करना होता है तो यहाँ पे आके बातचीत करते हैं, बुजुर्ग लोग आके बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, महिलाएँ आके हमारे गार्डन में बैठती हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो मैंने मेहनत करी है वो रंग ला रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, गाँव में सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। तो ये थे नितिन उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उन्होंने बताया उनको किन किन लोगों का सहयोग मिला है, कितनी दिक्कतों से उन्होंने ये यहाँ पर ये सब भवन इतना सुंदर बनाया है। डॉक्टर उपाध्याय के प्रयासों में 4 चांद लगाए उनके अस्पताल की टीम ने। तो जो अस्पताल का नवीनीकरण हुआ है जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांगुली के अंतर्गत इस अस्पताल का जो नवीनीकरण पिछले 2 साल से हुआ है काबिले तारीफ है। मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ फार्मासिस्ट, लेकिन जो नवीनीकरण हुआ है गांव के जो लोग हैं आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई होने तक, मतलब उनको अच्छी सुविधा मिल रही है वो सेटिस्फाई है। और मेरे स्टाफ में नितिन सर तो है ही, उनका तो डंका ही बज रहा है। दूसरी बात, ये हमारा आदमी जितेंद्र ईरपा JPL पोस्ट पे है लेकिन ओरिजिनल पेंटर है, तो इतने बखूबी से पेंटिंग करेगा वो कि आपको पता नहीं लगेगा कल का काम आज निपटा देगा। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं पूरी इसी आदमी की बनाई हुई है। और ज्ञानेश्वर जी सालबर्डे ड्रेसर यहाँ इधर 3 साल से पोस्टेड है, तो जो कुछ है आप देख ही रहे हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिलें तेरी, तो जरा कोशिश तो कर। यह चंद लाइनें उन साहसी लोगों के लिए जो जज्बे के साथ इतिहास बनाते हैं। मध्य प्रदेश के अगर सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी ने सोच लिया कि हम इस अस्पताल जैसे हमारे सारे अस्पताल कर दे, तो हमारे जो गांव के लोग हैं या हमारे शहर के लोग हैं उनको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं स्वाति अतकरे, InVision, कैमरामैन जितेंद्र अतकरे के साथ। InVision न्यूज़ के लिए पांडुरना से स्वाति अतकरे और जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट।